पिछले लंबे समय से महावीर पार्क में लगी टॉय ट्रेन बंद ही पार्क की शोभा बढ़ा रही थी। वहीं अब ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। दरअसल ट्रेन में बार बार आ रही तकनीकी खराबी के बाद नगर परिषद ने टॉय ट्रेन संचालन को लेकर टेंडर जारी कर एक फर्म को इसके संचालन का ठेका दिया है। शनिवार से ठेकेदार द्वारा इस ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। लंबे समय से बंद महावीर पार्क बच्चों की ट्रेन के पहिए कल से एक बार फिर से घूमने लगेंगे। लगातार डीसीएन लाइव द्वारा मुहिम चलाने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने टॉय ट्रेन की सुध लेते हुए इसे एक बार फिर आमजन के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को बाढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों ने ट्रेन चलाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को एक बार फिर से ट्रेन शुरू हो जाएगी। नगर परिषद ने इसको लेकर एक फर्म को नियुक्त किया है। टाइटन संचालन की समस्त जिम्मेदारी अंबिका एंटरप्राइजेज नाम की निजी फर्म को दी गई है। बागवान मियाराम के मुताबिक टॉय ट्रेन को एक बार फिर कल से शुरू कर लिया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक बच्चे एवं पार्क में आने वाले लोग इस टॉय ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। कल से चालू हो जाएगी। आज इसका हो रहा है, मिस्त्री आ रहा है लाइट चालू करके, कल बच्चों के लिए चालू हो जाएगी ट्रेन। क्या टाइम रहेगा? टाइम 8 से शाम को 9 बजे तक। गौरतलब है कि महावीर पार्क में लंबे समय से टॉय ट्रेन बंद पड़ी थी। नगर परिषद ने शुरुआती कुछ वक्त तक इस ट्रेन का संचालन कर इसे बंद कर दिया था, जिसके बाद से यह ट्रेन पार्क में खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही थी। डीसीएन लाइव ने लगातार इसको लेकर मुहिम चलाकर जिम्मेदारों को अवगत कराया था, जिसके बाद शनिवार को यह ट्रेन फिर से दौड़ने लगेगी।